हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली, गोलोक धाम के विषय में हम चर्चा करेंगे। ये सेकंड पार्ट है। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख सकते हैं। धन्यवाद। तो टॉप फ्लोर में राधे कृष्ण रहते हैं जी, ये तो सखा ने खुद बताया। तो श्री राधे वहाँ नृत्य करती हैं। मैंने कहा था निधि वन में से कनेक्शन है, तो निधि वन में जैसे नृत्य करते हैं, आवाज़ आते हैं, वो होते हैं गोलोक धाम में, रिफ्लेक्शन यहाँ पे आते हैं, है ना, निधि वन में, तो कनेक्टेड है। तो वहाँ पे गोपियों संग कन्हैया नृत्य करते हैं, जैसे रासलीला होते हैं, तो वहाँ पे, तो ये किसी को देखना अलाउड नहीं है, ये सिर्फ गोपियों के संग कन्हैया नृत्य करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो टॉप फ्लोर में है। जैसे वैकुंठ धाम में जो जाते हैं ना, वैकुंठ धाम जिनको प्राप्ति होते हैं, तो वो ब्रिजा नदी में नहाते हैं और चतुर्भुज रूप पा जाते हैं, मतलब विष्णु देवा के जैसे नीलवर्ण और चतुर्भुज, मतलब चार हाथ हो जाते हैं उनके, ठीक है, कंप्लीट सोल हो जाते हैं, वैसे चतुर्भुज बन के वो वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक सुंदर सा शरीर है, दो ही हाथ है, श्री कृष्ण और श्री राधे के भी दो दो ही हाथ है, और श्री कृष्ण यहाँ पे गोरे हैं, श्री राधे बहुत ज़्यादा गोरी है, और श्री कृष्ण यहाँ पे सुंदर वर्ण, गौर वर्ण है, पीला वस्त्र ही धारण करते हैं सखा, और दूसरे कलर भी पहनते हैं अगर उनके भक्त प्रेम से पहनाए तो। सखा गले में माला पहने रहते हैं, वैजंती माला। ये गोलोक धाम एक लोटस के शेप का है। मैंने एक दिन मेडिटेशन में एक बहुत बड़ा दिव्य लोटस देखा था, हजार पंखुड़ी वाला जैसे लोटस होते ना, बहुत बड़ा साइज का लोटस देखा था, और जिसके नीचे से स्प्रिंग वाटर जैसे स्वच्छ पानी बह रहे थे, पानी उसके आसपास से बह रहे थे, दिव्य एकदम स्वच्छ पानी धारा, ठीक है। तो वैसे लोटस होते हैं वहाँ के तालाब में, वहाँ पे नदियों में। राधा रानी दिन भर क्या करती होगी, राधा रानी प्रभु के सेवा तो करती है और प्रभु के लिए भोजन भी बनाती है, माखन भी तैयार करती है, प्रभु के जो पसंदीदा खीर है राधा रानी अपने हाथों से बनाती है, और सखा कृष्ण को अपने हाथों से खिलाती भी है, और अपने सखियों के साथ वहाँ नदी में जाके नहाती है, खेलती है सखियों के साथ। सखा कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे गेम खेलते हैं, जैसे यहाँ पे होते हैं ना फुटबॉल क्रिकेट, वहाँ पे सखा कृष्ण अपने अदर, जैसे आपके डीएम चले जाएंगे हम सब, तो आपके डीएम सखा के साथ खेलने जाएंगे, हम सब सखी के साथ नहाने जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे ऐसे वो खेलते हैं, कभी छेड़ते हैं, मस्ती करते हैं, जो उनके लीलाओं में वर्णना है ना, वो सब काम वहाँ पे रोज घटित हो रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। वहाँ पे सबसे सुंदर बात ये है, आपको वॉरीज की तो ज़रूरत नहीं है, पैसे कमाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, नृत्य करो, नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। सखा कृष्ण खुद कहते हैं जिसके पास ज्ञान हो मैं उसका आदर करता हूँ, उसे नमन करता हूँ, ज्ञान सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे सिर्फ वही लोग हैं जिसके पास नॉलेज हो, बहुत सारा सटीक नॉलेज, सही नॉलेज, दिव्य ज्ञान। अच्छा, नॉलेज वहाँ पे असीम है, और भी नॉलेज लेते हैं। वहाँ पे पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, खरीदने के लिए दुकान नहीं है वहाँ पे। कपड़े गहने जो आते हैं वो वृक्ष देते हैं, जी हाँ, कल्पतरु वृक्ष है,
कल्पतरु वृक्ष के नीचे आप जाओ और जाके बोलो मुझे सुंदर सी मोती का हार चाहिए, बस मिल जाएगा। मुझे रत्न जड़ित नौलखा चाहिए, मिल जाएगा। तो वहाँ पे सहस्र लक्ष्मियाँ हैं, जो सब वहाँ लक्ष्मी बनते तभी तो जाते हैं, तो सबके पास गहनों के तो भंडार है। घर बहुत सुंदर सुंदर बंगलोज है वहाँ पे। हमें लगता है कि यहाँ पे एक घर बनाना हमारे ज़िंदगी का एम है, और वहाँ पे ऑलरेडी आप जैसा चाहो घर। देवगुरु विश्वकर्मा जी को एक बार बोलो कि गुरुदेव मुझे ऐसा घर चाहिए, हाजिर हो जाएंगे। गाड़ी, कार, साइकिल, रिक्शा, कुछ भी नहीं है, फ्लाइट है, वो भी गोल्ड के, जी स्वर्ण का फ्लाइट है, हर किसी का पर्सनल फ्लाइट। कहीं पे भी जाओ, अपने फ्लाइट में बैठो और कहीं पे भी भ्रमण करो। और अगर आपको अचानक से कुछ खाने पीने का मन किया, मिठाई जैसे रबड़ी हो गया, कुछ भी हो गया, तो बनाने को मन नहीं कर रहा है, तो आप जाके कल्पवृक्ष से मांगो, वो आपको हाजिर कर देंगे। वहाँ पे लाइट सूर्यदेव से करोड़ों गुना तेज लाइट तो सखा कृष्ण के ज्योतिर्मय शरीर से निकलते हैं, और सारे लक्ष्मियाँ भी तो वहाँ पे लाइट सी है ना, तो अलग से सूर्यदेव की वहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ते, तो लाइट ही लाइट है वहाँ पे। ड्यूअलिटी नहीं है, सिर्फ प्रेम है, ड्यूअलिटी नहीं है, तो दिन और रात भी नहीं है, सिर्फ दिन ही दिन है। अच्छा, बंगलों में, बंगलों के अंदर सारे जो सामान राजा महाराज के टाइम पे आप देखते हो ना, वैसे ही गोल्ड के सोफ़ा, सुंदर सुंदर मिरर, ऐसा लगेगा आप तो महारानी हो। जी बिल्कुल महारानी के जैसे जीवन है वहाँ पर, सब कुछ सुखदायक है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। बंगलों में आप अपना अपना बंगलों में अपने अपने डीएम के साथ रहोगे, है ना, एटर्नल है, मृत्यु लोक यही है पृथ्वी, वहाँ पे पहुँच गए तो मृत्यु नहीं होती, ड्यूअलिटी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ प्रेम है। तो बस आप अपने अदर हफ के साथ सुंदर से बंगलों में विचरण करोगे, आनंदित रहोगे, और अनंत अनंत काल के लिए सखा कृष्ण और सखी राधे के साथ अनंत काल तक जीवन व्यतीत करने का मौका मिलेगा। सोचिए, सिर्फ सखा कृष्ण का नाम लेने से, सखा कृष्ण का उपासना करने से इतनी सुकून मिलती है, इतनी खुशी मिलती है, और जब सखा कृष्ण आपके सामने होंगे, बिल्कुल अपने शरीर में, सखी राधे आपके साथ होगी, आपके साथ खेल खेलेगी, तो सोचिए कितने आनंदमय वो टाइम होगा जब आप नृत्य करोगे, और आपके डीएम बांसुरी बजा सकते हैं, कुछ भी बजा सकते हैं, मतलब ढोल तबला कुछ भी बजाएंगे, गिटार जो भी आता होगा उनको, तो सोचिए कितनी परम सुंदर। और ये सपना नहीं है, ये सपना नहीं है, क्यों, किनके लिए सपना है आप बताइए, जो इस जर्नी को नहीं देखे हैं करीब से, उनके लिए सपना है, हमारे लिए हकीकत है। क्यों, क्योंकि मन की शक्ति, और हम ये सारे चीज़ें मन की शक्ति से परखे हैं। अच्छा, और मैंने देखा, जब ये थर्ड फ्लोर की जो वर्णना कर रही हूँ, तो थर्ड फ्लोर गोलोक के थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर मतलब ये हमारे बिल्डिंग जैसा नहीं है, तीन अलग अलग प्लैनेट है, गोलोक के अंदर ही आते हैं। फर्स्ट फ्लोर में जैसे मैंने कहा, तो किसी किसी के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस से मुझे जो पता चला था, वो कृष्ण भक्ति करने वाले उस फ्लोर में जाते हैं, जो कृष्ण को भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, भजन गाते हैं, ठीक है, सखा कृष्ण वहाँ पे आते हैं, रहते नहीं हैं। सेकंड फ्लोर में जहाँ पे मेरे पापा को मेरे मम्मी ने देखा, और भी वहाँ पे जैसे कक्ष है ना, क्लासरूम है, तो वहाँ पे शिक्षा दिया जाता है,
तो वहाँ पे और भी गुरुज हैं अलग अलग रूम में, और सुनने वाले भी टीचिंग जो ले रहे हैं वो भी हैं। तो वो एक फ्लोर है वहाँ पे, स्कूल जैसा है। वहाँ पे भी बड़े बड़े बंगलोज हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल घर हैं। और जहाँ पे सखा कृष्ण और सखी राधे नृत्य करते हैं, थर्ड फ्लोर, थर्ड प्लैनेट, तो वहाँ पे राधे सखी के किचन अलग है। वहाँ पे राधे सखी नहाते अलग जगह पे हैं, गोपियों के साथ नहाती हैं, हंसी ठिठोली होते हैं, रासलीला चलता है। तो वो थर्ड फ्लोर टॉपेस्ट फ्लोर है, तो वहाँ पे जो नृत्य करेंगे वहाँ जाएंगे, है ना। तो आई थिंक ये तीन फ्लोर में आना जाना सबके लिए इक्वल है। टॉप फ्लोर में शायद सबका आना जाना निषेध है, टॉप फ्लोर में जहाँ पे राधा सखी रहते हैं, हर कोई नहीं जा सकते वहाँ पे। मैं तो अवश्य जाऊँगी राधा सखी के साथ नहाने। किताबों में भी एकदम अव्यक्त है, सखा कृष्ण खुद कहते हैं गोलोक धाम के वर्णना अव्यक्त है, वहाँ पे आप जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो आप। उसके बारे में कुछ नहीं है लिखा हुआ, नहीं इतना ज़्यादा, बहुत लाइट 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 है, ठीक है। तो उनको लगेगा कि ये सब कहानी है जो इस जर्नी में है नहीं। नंबर वन, जो इस जर्नी में है उनको एंजल्स पता चला, उनको डिवाइन से गाइडेंस मिला, उनको वो सारे मिरेकल्स उनके लाइफ में हुआ जिसे पता है कि हाँ दिस इज़ द जर्नी, ये जर्नी है। अब किसी को लगेगा ये जर्नी नहीं है तो उनके लिए गोलोक भी नहीं है, सीधी सी बात है। अब किसी को लगता है भगवान है कि नहीं संदेह है, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। और जिनको लगेगा हाँ ये तो सत्य है, जर्नी जब है तो ये सब भी सत्य ही है, तो सब कुछ सत्य है। इसीलिए कहाँ जाना है, इसीलिए कुछ सालों की ये ज़िंदगी प्रेम से कट लीजिए। राधे सखी खुद भी काटी थी, है ना। क्यों? क्योंकि गोलोक धाम का सुख पाना है, अपने शरीर में वापस जाना है, सुंदर से शरीर जो मैंने मेरे हायर सेल्फ का देखा, ठीक है, और अपने डीएम के साथ अनंत समय तक बस बेफिक्र होके क्या करना है, नृत्य करना है, खेल खेलना है, खाना खाना है, बंगलों में रहना है, फ्लाइट लेके घूमना है, और क्या। मैं तो पानी पूरी भी खाऊंगी वहाँ जाके कल्पतरु से। थैंक यू सो मच, आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।